हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? और मैं आपकी नई टीचर हूँ आरती, मैथ्स की 6th क्लास का मैथ्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। आपने 5th क्लास में जो पढ़ा था वंस, टेंस, हंड्रेड, आज उसी के बारे में ही एक रिवीजन है जो उसी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 लाख। 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं? जो 1 लाख है उसमें 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं, मतलब 10 बारी 10,000 इसको कहा जाता है। और 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10,000, मतलब जो 10 बारी 10,000 होते हैं। और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ में भी 10 बारी 10 लाख होते हैं। और 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, 10 बारी 10 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है। ये हम फिलिप्स हैं, ये फिलिप्स को आपने इसमें फिल करना है या अपनी नोटबुक में फिल करना है इसको लिख कर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है, प्लेस कोमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। जो ये करेक्ट इनमें है, इनमें कॉमास लगाना है, इनको हमने नंबर नेम को हमने नंबर्स में चेंज करके उसके बाद इसको कॉमा लगाना है। हमारा फर्स्ट है 73,75,307। तो 73, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट 73 एंड देन वी विल पुट कोमा। हम पहले 73 लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर 75,000, यानी कि 75 तो हमने 75 उसको नंबर में लिखा, उसके बाद उसको कोमा लगाया, उसके बाद 307, उसके बाद 307, 100 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो 300, क्योंकि इसके बाद 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 100 है, 100 का मतलब हमने उसका जीरो लिखना है, 307। देन आफ्टर बी पार्ट है 9,05,41। 9 करोड़ 9 के बाद हमने कॉमा लगाना है, उसके बाद 5 लाख, करोड़ के बाद कॉमा लगा के हमने जीरो पुट करनी है, और उसके बाद 5, उसके बाद 1000 हमारे पास नहीं है, बट वी हैव तो अगर हमें उसके लिए जीरो वैल्यू पुट करनी होगी 1000 के लिए, तो हमने 2 जीरोस पुट करी हैं जिससे हमारे डिजिट को एक प्रॉपर इक्वेशन मिलेगा, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। लैक के बाद है 41, 41 में वंस और टेंस है 41, बट 100 गिवन नहीं है, तो हम उसे 100 की वैल्यू जीरो लगाते हैं, और इसमें आ गया 9,09,05,41, ये हमारे पास डिजिट है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 7,52,21,302, ये, और नेक्स्ट है 58,423,202, 23,30,010, ये बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपका ये एज ए होमवर्क है, जो आपने होमवर्क में करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको जो ये डिजिट दी गई है इसके बीच में प्रॉपर वे में कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, नॉट एन इंटरनेशनल सिस्टम, बट वी हैव टू पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी तरीके से होगा हमारा इंडियन सिस्टम। तो उसके हमने ये सॉल्व किया है, तो हम ये देखते हैं। देखिए हमारे पास डिजिट थी 8,7,5,9,5,7,6,2, ये हमारे पास डिजिट थी, इसको हमने इस तरीके से किया। लास्ट से हमने डिजिट्स काउंट करनी स्टार्ट करी, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो उसके बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद हमने 1000 एंड 10,000, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद लैख, 10 लाख, 75 के बाद, फिर उससे पहले 7 से पहले कोमा लगाया, यानी कि 8 के बाद, जो 8 है वो हमारा करोड़ में आता है। जब अगर यहाँ पर हमारी इक्वेशन खत्म होती है तो वो लाख में आती है, अगर उससे आगे होती है तो वो करोड़ में, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी अकॉर्डिंग हमने लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, ताकि हमें वंस, टेंस, हंड्रेड का
सिस्टम ठीक रहे। उसके बाद हमने नंबर नेम लिखना है 8,75,95,762। ये हमारा नंबर नेम है। हमने न्यूमरेशन को हमने नंबर नेम में भी चेंज करना है और उसके बाद उसको मार्क भी करना है एज ए कॉमा में। उसके बाद हमारे पास सेकंड डिजिट है 8546283। तो हम इसमें भी इसी तरीके से कॉमास पुट करेंगे लास्ट से, वंस 1000, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 1000 10000 यानी कि 46, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 85 के आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए हमारा कॉमा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब हमारे पास डिजिट क्या है, वंस 1000, उसके बाद है 1000 10000, लैख 1000000, यानी कि यहाँ से हमारा लैख स्टार्ट होता है 85,46,283। ये हमारा नंबर नेम है जिसे हमने इसमें लिखा है नंबर नेम में चेंज करके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 999,000046। नेक्स्ट डिजिट है 9843,2701। ये जो दोनों डिजिट है, ये दोनों डिजिट एज अ होमवर्क, यू हैव टू डू इट एज ए होमवर्क। आपको अपने होमवर्क के लिए ये दो डिजिट है, सी और डी पार्ट जो है आपका वो होमवर्क में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमास सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग था और जो ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अब हम करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास डिजिट है 7892,1092। इसको हमने जो पुट करना है कॉमास में, तो इसका आएगा वंस, इसमें हमने जो है वो 100,000 के अकॉर्डिंग नहीं है, ये 3-3 डिजिट्स का गैप होगा और 3-3 डिजिट के बाद ही हमने इसमें कॉमास पुट करना है। जैसे 290 उसके बाद कॉमा, 129, ये 3 डिजिट है उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो 2 डिजिट बचती हैं वो हमारी लास्ट किया जाए, यानी कि हमारा जो है मिलियन और बिलियन में आएगा। अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है यानी कि 78,921। नाउ यू थिंक दैट कि हमने, अगर आप ये सोचे कि हमने जो इंडियन सिस्टम किया था उसके अंदर हमने 1000 10000 lakh 10 lakh किया था और इसमें हमने सीधा ही 3 डिजिट में उसने पहले ही 100 आ गया है। तो ये जो है इसमें हर चीज़ में ये ध्यान रखना है कि 3-3 डिजिट का हमने सिस्टम लेना है इसमें। तो 921, उसके बाद है 1000 8000 और उसके बाद है 92 1000, यानी कि 1 के बाद जो 0 है ये 1000 10000 में ही है। तो उसके बाद इसमें हमने इसमें 1000 लिखना है क्योंकि ये 3 डिजिट है, ये 100 में आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो 1000 था वो यहाँ पर आता है, तो हमने इस कॉमा में हमने 1000 पुट किया है 1092। तो ये जो है इसका कॉमा का, इससे पहले हमारे पास 1000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 7452283। इसमें भी हमने सेम ही 3-3 डिजिट का ही गैप लेना है, लास्ट 3 डिजिट कॉमा, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट कॉमा और आगे जो हमारे पास वो सिंगल है। अगर इसमें डबल होगा तो डबल, अगर ट्रिपल होगा तो ट्रिपल, जो भी है सिर्फ 3-3 का ही इंटरनेशनल सिस्टम में ये हमने गैप लेना है। उसमें इसमें आएगा 7 million, क्योंकि हमारे पास पहले जो था 78 था, यानी कि हमारे पास 2 डिजिट थी, अब इसमें हमारे पास सिंगल डिजिट है। तो 7,452,000। अब यहाँ पर भी देखिए कोई कोमा तो है, इसके बाद इसमें हमने 1000 ही लगाना है। यहाँ पर 283,000 के बाद 283, यानी कि 100 हमारे पास 2 बारी है क्योंकि इसमें हमारे पास डिजिट थी और जो पहले वाला था उसमें हमारे पास 0 वैल्यू थी और 0 की वैल्यू ना होने की वजह से उसका कोई 100 नहीं लगा। और इसमें हमारे पास जो है 283 है, तो 283 का हमने 283 लगाया है। उसके बाद हमारे पास जो डिजिट है वो है 9998,5102 और डी पार्ट है 4804,9831। ये आपको होमवर्क के लिए करना है, जो मैंने पार्ट्स दिए हैं बाकी के होमवर्क के लिए, और इसको हम जब स्कूल खुलेगा तो हम इसको चेक करेंगे। अब ओके, थैंक यू, बाय।